हेलो गाइस, तो आज इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि एक स्टैंडर्ड 400 मीटर ट्रैक मार्किंग कैसे किया जाता है। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक स्टैंडर्ड ट्रैक मार्किंग कैसे किया जाता है। तो एक ट्रैक स्टैंडर्ड ट्रैक मार्किंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो है एक स्ट्रेट और उसका सीरियल। स्ट्रेट जो स्टैंडर्ड ट्रैक मार्किंग का जो स्ट्रेट होता है उसका लेंथ होता है 32.39 और जो सीरियल जो कैकाउ डिस्टेंस रेडियस जो होता है वो होता है 36.50 मीटर्स। ये वैल्यू आपको कहीं पर भी मिल जाएगी क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज मार्किंग है। ओके, तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि एक ट्रैक मार्किंग की शुरुआत कहाँ से करते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि ये आपका ग्राउंड है। ओके, और यहाँ पे आपको एक स्टैंडर्डाइज ट्रैक बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो एरिया है उसके बीच में बराबर से सेंटर में आपको एक इमेजिनरी लाइन बनानी है। सेंटर में बराबर से सेंटर में आपको एक इमेजिनरी लाइन बनानी है जिसका लेंथ होना चाहिए, या तो फिर आपको सिर्फ दो पॉइंट मार्क करना है जिसका डिस्टेंस होना चाहिए स्ट्रेट, जो हमारा स्ट्रेट है उतना ही उसका डिस्टेंस होना चाहिए, जो कि होगा 84.39। जो फर्स्ट टाइम पे आपको एक स्ट्रेट या इमेजिनरी लाइन बनानी है तो फिर आपको सिर्फ दो डॉट बनाने हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, या तो आप 3-5 मेथड यूज कर सकते हैं या तो फिर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं जो कि डायगोनल मेथड होगा। पहले यहाँ पे लाइन बनानी है, तो पहले मैं आपको दोनों बताने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको बताऊंगा 3-5 मेथड कैसे यूज कर सकते हैं। 3-5 मेथड में भी आपको क्या करना है, मल्टीपल ऑफ 3-5 मेथड लेना है। मतलब कि जो 3-5 मेथड होता है उसको मल्टीप्लाई बाय 5 कीजिए और उसका वैल्यू हो जाएगा 50 मीटर्स, 20 मीटर्स और 25 मीटर्स। तो ये वैल्यू से आपको यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाना है। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि 3-5 मेथड आप यूज करेंगे तो आपको पॉइंट से बहुत ही नज़दीक मिलेगा ये पॉइंट, तो उससे क्या चांसेस है कि आपकी जो लाइन है वो स्ट्रेट ना है। ओके, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मल्टीपल ऑफ 3-5 मेथड। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मल्टीपल ऑफ 3-5 मेथड जिसमें मैंने मल्टीप्लाई किया 5 से। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको 50 मीटर मार्क करना है, इसके बारे में यहाँ पे 20 मीटर से, फिर यहाँ से आपको यहाँ पे कट करना है। कट करोगे तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, पॉइंट से ही आपको एक स्ट्रेट लाइन बनानी है जिसकी लेंथ होनी चाहिए, जो हमारा सीरियल है 36.50 मीटर, उसकी लेंथ होनी चाहिए यहाँ से यहाँ तक 36.50 मीटर। वही सेम मेथड आपको यहाँ से भी फॉलो करना है, यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिलेगा, स्ट्रेट आपको एक लाइन बनानी है जिसकी लेंथ होनी चाहिए 36.50 मीटर। उसके बाद में आप दूसरी साइड में आइए, सेम मेथड फॉलो कीजिए, कट मिलेगा आपको यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन बनाइए, यहाँ पे भी आपको कट मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गया 3-5 मेथड्स का। और अगला फॉर्मूला है कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं डायगनल मेथड। आपको यहाँ पे मालूम है कि 84.39 मेरा यहाँ पे स्ट्रेट है और यहाँ पे मुझे चाहिए 36.50 मीटर। तो ये दोनों आपको चीज मालूम है, आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ पे आपको डायगोनली ये डिस्टेंस पहला फाइंड आउट करना है, जो आप फाइंड आउट कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। आपको यहाँ का वैल्यू मिल जाएगा, आपको क्या करना है, ये पॉइंट से यहाँ पे एक कट देना है, वो वैल्यू मिलेगा जो, और यहाँ से ये पॉइंट से आपको आपको मालूम है यहाँ पे 36.50 मीटर्स का है, यहाँ से यहाँ पे आपको कट देना है, आपको पॉइंट मिलेगा, ज्वाइन करना है, वैसे ही आपको यहाँ से भी सेम करना है, पॉइंट मिलेगा, ज्वाइन करना है, फिर ऑपोजिट साइड से भी आपको सेम करना है, डायगोनल मार्क करना है, यहाँ से पॉइंट मिलेगा, ज्वाइन करना है, यहाँ पे भी आपको सेम करना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट मिले हैं इसको आपको कनेक्ट करना है, तो कुछ इस तरह से आपका ट्रैक दिखेगा। फर्स्ट आपके रेक्टेंगल टाइप ये देखिएगा, उसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से आपको 36, ये जो हमारा रेडियस है 36.50 मीटर, यहाँ पे मीटर पॉइंट पकड़ के यहाँ
कब निकालना है। जब आप कब निकालोगे 36.15 मीटर लेंगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ से भी आपको सेंड करना है 36.15 मीटर का कब लेना है। इस तरह से ये आपका ट्रैक मार्क का आउटलाइन रेडी हो जाएगा। तो ये आपका ट्रैक मार्किंग का एक आउटलाइन रेडी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने नंबर ऑफ लेन चाहिए। आपको अगर 8 चाहिए 9 चाहिए इस हिसाब से आपको देखना है। तो अगर आप मैं यहाँ पर बोलूँगा मुझे 8 लेन ही चाहिए तो मैं पहले क्या करूँगा, 8 लेन और 1 लेन की जो लेंथ होती है वो 1.22 मीटर्स रहती है। सो 1.22 मीटर्स इंटू 8 जीरो 9.76 मीटर्स होगा टोटल 8 लेंथ, 8 लेंथ की लेंथ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 9.76 मीटर की एक लाइन बनाऊंगा। यहाँ से स्ट्रेट, यहाँ से स्ट्रेट, ओके। तो इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लेंथ पहले ड्रॉ करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ से पॉइंट लेके 1.22 मीटर एक पॉइंट डालूंगा, यहाँ पे सेम करूँगा, यहाँ से एक पॉइंट को लेकर 1.22 मीटर का एक पॉइंट डालूंगा। उसके बाद में ये दो पॉइंट है कनेक्ट करूँगा। उसके बाद में अगेन 1.22 फिर अगेन मैं इसको कनेक्ट करूँगा। आपको जब भी ये लेन आप ग्राउंड वगैरह में ड्रॉ करते हैं तो हमेशा याद रखेंगे आपको आउटर एज से जो लाइन है वो ड्रॉ करनी है। अगर आप सिंथेटिक ट्रैक में कर रहे हैं तो आप 5 सेंटीमीटर्स का जो ब्रश है वो यूज़ करोगे। अगर आप नॉर्मली ट्रैक में ड्रॉ कर रहे हैं तो आप नॉर्मली अगर मर ट्रैक में बना रहे हैं तो आप एक चॉक पाउडर से एक लाइन बनाओगे आपसे। तो ऐसे ही 1.22 दो पॉइंट मिला ड्रॉ करना है, 1.22 ऐसे ही आपको जो अदर स्टेट है उसमें भी करना है। तो आपको इस तरह से आपको कुछ आउटलाइन का हो जाएगा ट्रैक मार्क। अभी आती है हमारी हमारी कर्व की। तो अभी हम कर्व बनाएंगे। तो कर्व बनाते टाइम हमको क्या करना है, ये जो 36.50 मीटर्स का रेडियस हमने यहाँ पे लिया है जो ये यहाँ से यहाँ तक का है, इसमें हमें 1.22 ऐड करना है। तो इसमें अगर हम 1.22 ऐड करेंगे 37.72 मीटर आ तो हमें क्या करना है, 37.22 मीटर टेप से लेना है, 37.22 मीटर यहाँ पर पकड़ना है जो फर्स्ट लेन के, और एक आर्क बनाना है पूरा यहाँ से यहाँ पर। तो हमको यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेन का जो कर्व है वो मिल जाएगा। वैसे ही सेकेंड लेन के लिए हमें आगे 1.22 मीटर्स का ऐड करना है, 38.94। अगेन हमको यहाँ से मीटर टेप पकड़ना है, यहाँ से अगेन हमको एक सर्कल ड्रॉ करना है, सेमी सर्कल या आप एक कर्व बोल सकते हो उसको ड्रॉ करना है। ऐसे ही ऐड करते करते आपको यहाँ पे आपके ड्रॉ हो जाएंगे। यहाँ पे भी आपको सेम करना है, ऐसे करने से आपका पूरा जो फुल ट्रैक मार्क है वो ऑटोमेटिकली आप इजीली ऐसे मेथड से आप इजीली पूरा ट्रैक मार्क बना सकते हो। और जहाँ तक आपका स्टैंडर्ड डिस्टेंस का बात है जो कि है 400 मीटर्स पर रहेगा, तो फर्स्ट लेन के एंड पर रहेगा। आपको स्टैंडर्ड डिस्टेंस स्टैंडर्ड ट्रैक के टाइम पर मिल जाएंगे। जब आप मार्क करेंगे तो वहाँ से आपको डिस्टेंस लेना है और मार्क करना है, आप डिस्टेंस लोगे और मार्क करोगे। सो आप अगर ठीक से ध्यान दोगे तो आप इजीली ट्रैक मार्किंग
इजीली आप बना सकते हो। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी डिफिकल्ट होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कोशिश करूँगा आपको पूरी तरीके से आपके वीडियो डाउन से क्लियर करने की।